बात अनुपम खेर की, बात उनके पिताजी की, पिता के कहे हुए कुछ बोल क्या मायने रखते हैं। बात उन दिनों की है जब अनुपम खेर शिमला में पढ़ रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता पुष्कर नाथ जी उनके स्कूल आए और बोले, चलो मेरे साथ, और उन्हें वहां से लेकर चले गए। अनुपम की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। पिताजी अनुपम को लेकर गए शिमला के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में। बेटे से पूछा, बोलो क्या खाना है, जो भी खाने का दिल हो बेझिझक ऑर्डर दे दो। अनुपम की समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। अनुपम और उनके पिता का रिश्ता दोस्तों जैसा था, इसलिए अनुपम ने खुल के पूछ लिया कि अचानक ये दावत का मूड आपको कैसे आ गया, प्रमोशन मिला है क्या। पिताजी मुस्कुराए, फिर बोले, नहीं कुछ नहीं। अब अनुपम की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। पूछा, डैडी कोई लॉटरी लग गई है क्या। पिता फिर चुप हो गए, बोले, नहीं। अनुपम बोले कि आप बताइए तो सही, बात क्या है। अब पिता मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे प्रिंसिपल ने बुलाया था और कहा कि तुम 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गए हो। अनुपम हक्का बक्का हो गए। पिता से पूछा, मैं फेल हो गया और आप जश्न मनाने के लिए मुझे लेकर यहां आए, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे। तो पिता ने बड़े प्यार से अनुपम को समझाया कि मैं यहां तुम्हारी असफलता का जश्न मनाने इसलिए आया हूं ताकि जिंदगी में जब भी तुम्हें फेल्योर का सामना करना पड़े, असफलता का सामना करना पड़े, तो तुम उस असफलता को देखकर परेशान ना हो, दुखी ना हो, बल्कि उस पल को वैसे ही एंजॉय करो जैसे तुम कामयाबी को, सफलता को एंजॉय करते हो। अपनी हर असफलता से सीखकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। मायूसी, निराशा, टूटना, शोक, इन सब से दूर रहो। मैं चाहता हूं कि जैसे तुम अपनी सफलता को एंजॉय करते हो, उसी तरह अपनी असफलता को भी एंजॉय करो, क्योंकि हर सफलता आपके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकती है। पिता की दी हुई ये प्रेरणा, ये अनमोल वचन अनुपम के बहुत काम आई। जब वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तकलीफों को झेल रहे थे, तब एक दिन उन्हें पिताजी का टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि भीगा हुआ आदमी बरसात से नहीं डरता। ये अनमोल वचन सुनकर अनुपम का हौसला बुलंद हो गया और सोच लिया कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हारूंगा नहीं और जीत कर दिखाऊंगा। और आखिरकार उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिखाया। वापस आकर बताऊंगा कि देवानंद कितने बड़े फैन थे अशोक कुमार के, और जब उन्होंने पहली बार अशोक कुमार दादा मुनि को देखा तो क्या हुआ, मन में कौन सी इच्छा जागी, ये सब बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।